फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। लबाक आप सबको बहुत खुश रखें, हर तरह की बीमारी परेशानियों से बचाए, आमीन सुमामी। तो चलिए वीडियो को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे हो रहा है 2 बजे का टाइम और सिस्टर पहले ही आ गई थी किचन में, तो मैंने भी कैमरा उठा लिया था। ये सारे प्रिपरेशन वो कर चुकी थी तब मैं किचन में एंटर हुई थी। तो आज बनना था अरहर की दाल, साथ में पराठा, मिर्चा और चावल, तो इसलिए सिस्टर पहले ही आ गई थी किचन में। यहाँ पे देखें सैलड वगैरह मैंने कट कर दिया है। अब सिस्टर दाल में तड़का लगाने लगी थी और साथ में ये पराठे भी यहाँ पे बना के रख ली है, बस इन्हें बेलना है और सेक लेना है। मिर्च भी बन करके रेडी हो गई है, यहाँ राइस भी बन करके कुक हो गए हैं, साथ ही साथ मैंने सैलड भी बना लिया था। यहाँ पे मैंने कुकुम्बर कट कर लिया था और इन्हें टोमेटो का सैलड भी साथ में बना लिया था। कभी सामान इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि किचन छोटा पड़ जाता है, तो यहाँ पे मैं क्रॉकरी रख रही थी अच्छे से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पेस यहाँ पर जा रही थी क्रॉकरीज की वजह से, और बस इसको क्रॉकरी को मैंने सेट कर दिया था। خير الخلق كلهم مولاي صل لي وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين بن گئی ہے हमारी सहरी और दस्तरखान पे सज भी गई है और यहाँ पर सब लोग आ गए हैं बारी बारी से दस्तरखान पे। अभी सिस्टर पापा के लिए रोटियाँ बना रही थी क्योंकि वो पराठे वगैरह से गुरेज करते हैं, पराठा वगैरह नहीं लेते हैं, तो इसलिए सिस्टर उनके लिए रोटी बना करके ला रही थी। अच्छा, तो ये अब फजर के बाद का टाइम है और यहाँ पर सब पारा पड़ रहे हैं, तो आज काफ़ी लेट हो गया, 6 बजने वाला है और अभी सब जाग ही रहे हैं। ऐसे 5:30 बजे तक के सब सोए जाते हैं। और बस छोटी सिस्टर स्कूल चली गई थी आज, उसके न्यू स्कूल का फर्स्ट डे था, तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो रहा है तकरीबन 11:30 बजे का, और यहाँ पर बेडशीट चेंज हो रही है। पर आगे हमें धूप काफ़ी ज़्यादा खिली खिली निकली हुई है, अभी पापड़ को धूप में रख दूँगी क्योंकि बारिश हुई थी, तो पापड़ ना काफ़ी ज़्यादा सील गए और फ्राई नहीं हो रहे अच्छे से। तकरीबन 11:30 का टाइम हो रहा है और अभी तक बच्चों को पानी नहीं दिया है, ना ऊपर आई थी अब आई थी, तो हम देखते हैं इनके क्या हाल है। अच्छा, तो साथ ही साथ आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ पनीर टिक्के की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से बन जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब मम्मी ने रेड चिली पाउडर ले लिया था, इसमें 1 टीस्पून डाल दिया है हल्दी पाउडर, और आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, आप इसमें रेड कलर भी ऐड कर सकते हैं ताकि इसका कलर जो है वो पनीर टिक्के वाला आए, लेकिन हमें थोड़ा ऐसा कलर चाहिए था तो हमने ऐसा डाल दिया। और साथ ही साथ यहाँ पर पनीर टिक्का मसाला है, 2 बड़े चम्मच भर करके हमने इसमें पनीर टिक्का मसाला शामिल किया। तो ये अम्मी लेकर के आई थी मार्केट से, आप कोई भी ब्रांड का पनीर टिक्का मसाला ले सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इस मसाले से। पर शामिल कर दिया इसमें 1 टेबल स्पून के करीब सॉल्ट, 1 छोटे चम्मच के करीब यहाँ पर शामिल कर दिया है हमने कुकिंग ऑयल। मैरिनेशन को अच्छे से अम्मी ने मिक्स कर दिया था, फिर पनीर को टेंडर सा लुक देने के लिए, टेंडर सा टेस्ट देने के लिए मैंने यहाँ पे दही भी शामिल किया है, तकरीबन 2 बड़े चम्मच के करीब दही शामिल कर दिया है इसको अच्छे से फैट करके। चाहे तो आप इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मम्मी ने कहा कि उससे अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा तो फिर मैंने नहीं शामिल किया था।
एक बार ये मसाला बन जाएगा ना, तब आपने इसमें सबसे पहले वेजिटेबल्स डालनी है। तो वेजिटेबल्स में मैंने यहाँ पे अनियंस और कैप्सिकम ले लिया था। वेजिटेबल डाल करके आपको अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि वेजिटेबल्स हार्ड हैं, तो इसको पहले मिक्स करना है। और अगर आप साथ में इसके पनीर के पीसेस भी डाल देंगे तो इसको अच्छे से मिक्स करते करते ना पनीर के पीसेस जो है वो टूट जाएंगे, तो इसलिए इसको पहले मिक्स करना है आपने, बाद में पनीर के पीसेस डाल करके हल्के हाथ से आपको मिक्स करना होगा। वेजिटेबल को अच्छे से मैरिनेशन में कोट करके देन मैंने इसमें पनीर के पीसेस शामिल कर दिए थे और इसको हल्के हाथ से मैंने मिक्स किया था। अच्छा, तो अच्छे से मिक्स करके ना मैंने इसको फॉइल पेपर में रैप करके फ्रीज़र में रख दिया था, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम था इसको कुक होने में। मैंने इसको दिन में ही मैरिनेट कर लिया था, तकरीबन 1:30 का टाइम हो रहा होगा जब मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था फ्रिज में। ज़्यादा देर के लिए आप इसको मैरिनेट करेंगे तो इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा आएगा, चाहे फिर वो चिकन हो या तो फिर ये पनीर हो। धूप काफ़ी अच्छी निकली है तो मैं ऊपर आई हुई हूँ ये पापड़ को धूप लगाने के लिए, क्योंकि अभी जब बरसात हुई थी तो ये सील गए हैं और अच्छे से फ्राई नहीं हो रहे। समझ में नहीं आ रहा इसको कहाँ रखूँ मैं। कीप दिस एंड देन ओपन द डोर। इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है ना। अच्छा, ये पापड़ों को धूप भी मिल जाएगी इसी बहाने। हवा में गर्म बहुत है, बहुत धूप है। चल, तो यहाँ पे जोहर की बात का टाइम हो रहा था, कुछ गेस्ट आ गए थे तो इसलिए अम्मी पारा पढ़ नहीं पाई थी, तो अब वो पारा पढ़ रही हैं। और यहाँ पे सिस्टर सो रही है क्योंकि वो स्कूल से आई हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी, रोजे से भी थी और स्कूल भी था काफ़ी देर तक के, 1:30 तक के था, तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो यहाँ पर देखिए टाइम हो रहा तकरीबन असर का और यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ने आ गई हूँ, तो आज ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था तो इसलिए काफ़ी लेट हमने किचन में एंट्री की है। लेकिन नमाज़ पढ़ी रही थी कि खालू का फ़ोन आ जाता है कि वो हमारे लिए बिरयानी लेकर के आए हैं, लेकिन वो ना सामान भी रखे हुए थे अपने रिक्शा पे तो इसलिए वो आ नहीं पाए। तो मैं जा रही हूँ नका वगैरह ओढ़ करके बिरयानी पिक करने। माल ले आते हैं आप, चलते फिर हम लोग पनीर दूर जाना है ना, पनीर टिक्का खाते हम लोग बाद में खा लेंगे। अरे आप सब खा लो, आप पहले दे आते फिर आते। गाँव में जाना है क्या, रात को माल दिया चकेरी के आगे। अच्छा, तो आप क्यों लिया था, आप तो मम्मी से कह रहे थे यही माल देना है। अच्छा, तो बिरयानी पिक करके मैं आ गई थी घर और बस एक बार का सुना और खालू बिरयानी लिए हैं कि हमारा मन कर रहा था तो बिरयानी लिए आए हमारे लिए इतनी दूर से। और बस यही बात होती है जो इंसान को इंसान की करीब करती है, आपके रिश्तों को अपनापन यही सबसे मिलता है कि आपके लिए सामने वाला कितने एफर्ट्स कर रहा है, तो बस इसी से पता चलता है कि आपके बीच में कितनी ज़्यादा गहरा रिश्ता है, कितना ज़्यादा परफेक्ट रिश्ता है आपका दिल से। अल्लाह बहुत ख्याल रखते हैं खालू हमारे और खाला भी, तो अल्लाह पाक मेरे खाला खालू दोनों को सलामत रखे, खुश रखे और कामयाबी दे। अच्छा, तो यहाँ पर अब मैं पनीर टिक्के को असेंबल करने लगी थी। पहले मैंने एक पीस कैप्सिकम्स का अब यहाँ पे लगाया और एक पीस अनियन का, देन पनीर, और फिर इसको रिपीट करा और बहुत ही मज़े का ये है और इससे भी ज़्यादा मज़े का ये खाने में था। मीडियम टू लो फ्लेम में मैंने पैन पे रख दिया था इसे ऑयल ग्रीस करके पनीर टिक्कों को, और ऐसे मैंने इसको सेका था। आप चाहे तो इसको आँच पे भी सेक सकते हैं, लेकिन मैंने इसे ये ऐसे पैन पे सेका था मुझे, लेकिन कोयले वाला मतलब धुनी लगाने का काफ़ी मन था, लेकिन मैंने लगाए नहीं कि पता नहीं बाकी सबको अच्छा लगे कि ना लगे। यहाँ पे इफ्तार का टाइम हो गया था, सब लोग दस्तरखान पे आ गए थे, मैं भी ट्राईपॉड में कैमरा सेट कर रही थी क्योंकि मेरे जिससे मैं वीडियो शूट करी थी वो उसमें बैटरी डेड हो गई थी, तो फिर मैंने यहाँ पे रख दिया था, स्टोरेज फुल हो गई थी आई थिंक। और यहाँ पर बस मैं दूसरे फ़ोन से कैमरा सेट कर रही थी और इतना टाइम हो गया मुझे। आपको सब दस्तरखान पे दिख रहे होंगे लेकिन मैं अभी दस्तरखान पे नहीं हूँ, साथ में पेन गेस्ट भी हैं, उनको भी हमने इनवाइट कर लिया था आज अपने इफ्तार टेबल पे, और माशाल्लाह से सब लोग यहाँ पे इफ्तारी कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने आज भी दस्तरखान को खूब अच्छे से सजाया हुआ है। मैं दुआ करती हूँ आपके दस्तरखान को भी अल्लाह पाक किसी बाबरकत तरीके से सजाए रखे, आपको तमाम परेशानियों बीमारियों मुसीबतों से बचाए रखे और आपके माँ बाप को सलामत रखे और लंबी उम्र और सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए।
आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोग मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और ख़ास करके मेरे एग्ज़ाम और अच्छे रिज़ल्ट के लिए दुआ कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे आपकी दुआ और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهده يا قلب। तो इफ्तार के बाद हम लोग आ गए थे यहाँ स्टेशनरी शॉप पर, क्योंकि मुझे DIY के लिए कुछ सामान लेना था और ये मैंने ले लिया है। और उसके बाद मैंने और मेरे दोनों सिस्टर्स ने यहाँ पे इंजॉय किया था ये चुस्की। तो गर्मी में फ़र्स्ट टाइम हमने ये चुस्की अब इंजॉय किया, बहुत ही मज़े की थी। खैर इतनी ज़्यादा मज़े की नहीं थी जितनी फ़र्स्ट टाइम हमने खाई थी। खैर यहाँ पे अब हम आ गए थे कबाब पराठे लेने, क्योंकि सिस्टर को कबाब पराठे लेने थे। इस शॉप से हमने ओरिगैनो लिया और साथ ही साथ चाय पत्ती ली और उसके बाद हम चले गए थे घर की तरफ। हम सब ने बहुत ही मज़े के कबाब समोसे इन्जॉय किए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हाफिज़। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। इतना बारिश वाला मौसम तो था नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए अच्छी खासी बारिश होना स्टार्ट हो गई है और बादल है, लेकिन यहाँ पर देखिए चांद भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। अब बादल आ रहे हैं और या तो फिर बहुत ज़्यादा बारिश होगी या तो थोड़ी थोड़ी बारिश होकर ना रुक जाएगी।